रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गीत एक बहुत ही सुंदर और संस्कारी लड़की थी। वो अपने पिता राजेंद्र और माँ अदिति के साथ रहा करती थी। उसका एक छोटा भाई जिसका नाम था अरमान, वो भी उन्हीं के साथ रहा करता था। उसके माता पिता गीत की शादी के लिए काफी ज्यादा परेशान थे। ऐसे ही एक दिन गीत के लिए अमरिंदर नाम के एक लड़के का रिश्ता आता है। वो अपनी माँ परमजीत और बहन रहमत के साथ उसे देखने उसके घर आता है। नमस्कार बहन जी, नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सब? जी बस बढ़िया भाई साहब, आप बताइए। जी बहन जी, बिल्कुल बढ़िया हैं सब के सब। सभी लोग अंदर जाकर चाय नाश्ते के साथ बातचीत करने लगते हैं। अरमान पर्दे के पीछे से लड़के वालों को देखता है और लड़के के बारे में जाकर अपनी बहन को बताता है। गीत, बहन लड़का तो देख काफी स्मार्ट है, और पता है इसकी एक सुंदर सी बहन भी है। हाय, मेरा तो दिल आ गया यार उसपे। तेरी शादी होने के बाद मैं उससे शादी कर लूंगा। अरे ओ सपनों के शहजादे, जरा सपनों से बाहर तो आओ। अरे शादी तो दूर की बात है, अभी तो हम दोनों ने एक दूसरे को देखा तक नहीं है। वैसे अगर वो सुंदर भी हुई ना, तो तुझे कभी पसंद नहीं करेगी, क्योंकि तेरी शक्ल बिल्कुल बंदर जैसी है। जा ना तू, पहले अपनी शक्ल देख, एकदम चुड़ैल जैसी लगती है। अच्छा, मेरी शक्ल चुड़ैल जैसी है? रुक, अभी बताती हूँ तुझे। गीत उसे मारने के लिए उसके पीछे भागती है। तभी उनकी माँ अदिति वहाँ उन्हें लेने आ जाती है और उनसे कहती है, ओहो तुम दोनों बहना बस चूहे बिल्लियों की तरह लड़ते ही रहते हो। चूहे बिल्ली नहीं, शेर उमेश शेर। हाँ, और वो भी सर्कस का। क्या बोली, ले फिर। अरे बस करो तुम दोनों, और गीत तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें देखने के लिए बुलाया है उन लोगों ने। अदिति अपनी बेटी को लेकर बाहर आ जाती है। गीत और अमरिंदर आपस में बात करते हैं। दोनों ही एक दूसरे को पसंद करके रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बीच अरमान और रहमत एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। शादी के बाद गीत अपने ससुराल की पूरी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती है। वक्त बीतता जाता है, वही अरमान और रहमत के बीच बातों और मुलाकातों का सिलसिला भी चलता रहता है और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन अरमान अपनी बहन गीत के ससुराल उससे मिलने जाता है। उसकी बहन उसकी काफी खातिरदारी करती है, जिसे देखकर उसका पति अमरिंदर उससे कहता है, वाह वाह वाह, भाई की इतनी खातिरदारी, यार कभी कोई हमारी भी कर दिया करो। अरे अमरिंदर जी, तुसी ता ऐसे कह रहे हो जैसे मैं आपसे रोज रोज मजदूरी करवाती हूँ, है ना? और नहीं तो क्या। अरे यार, पूरा दिन काम करता हूँ, पैसे कमाता हूँ, और तुम मेरी खातिरदारी नहीं अपने वेले भाई की खातिरदारी कर रही हो। ये कोई वेला वुल्ला नहीं है, रॉक स्टार है मेरा भाई, रॉक स्टार। ओह अच्छा, देखते हैं रॉक स्टार। अरे अरमान, तू इनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दे, ठीक है? मुझे पता है तू एक दिन बहुत अच्छा सिंगर बनेगा। अच्छा चलो ठीक है, इसी बात पे हमें भी कोई गाना सुना दो अब। ठीक है जीजू, मैं अभी आपको एक अच्छा सा गाना गाकर सुनाता हूँ। तब अरमान उन सबको गाना गाकर सुनाता है। उसकी आवाज सुनकर रहमत भी उनके पास वहाँ आकर बैठ जाती है। वो दोनों एक दूसरे से नजरें मिलाते हैं। गीत को ये सब देखकर उन पर थोड़ा सा शक हो जाता है। सब लोगों को अरमान का गाना बेहद ही पसंद आता है। उसके बाद सभी अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। सबके सो जाने के बाद अरमान चुपके से रहमत के कमरे की तरफ चला जाता है। वहाँ दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। वाओ अरमान, आज तुमने बहुत अच्छा गाना गाया, भैया काफी इम्प्रेस हो गए तुमसे। हाँ रहमत, सबको इम्प्रेस तो करना ही पड़ेगा ना, ताकि बाद में हम दोनों की शादी हो सके। हाँ अरमान,
मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और जल्द से जल्द तुमसे शादी करना चाहती हूँ। वो दोनों फिर से एक दूसरे के गले लग जाते हैं। तभी उनके कमरे के पास से गीत गुजर रही होती है। वो उन दोनों को बाहों में बाहें डाले बात करते हुए देख लेती है और उनके पास जाकर बोलती है, बाप्पा मेरा शक बिल्कुल सही निकला, तुम दोनों के बीच में आखिर खिचड़ी पक ही रही है। भाभी आप यहाँ? गीत तू यहाँ? मेरा मतलब मैं वो, ये तू क्या कर रही है यहाँ पे? पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि इतनी रात गए चोरी छुपे कमरे में तुम दोनों बाहों में बाहें डालकर क्या कर रहे थे? वो गीत मैं वो साफ साफ बोलेगा आखिर चल क्या रहा है? वो भाभी दरअसल मैं और अरमान एक दूसरे से प्यार करती हैं। ओए होए 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 कब से चल रहा है ये सब? वो भाभी आपकी और भैया की शादी के बाद से। प्लीज भाभी भैया को ये मत बताना, नहीं तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। अरे कोई बात नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। और अरमान तू प्यार करता है ना रहमत से, टाइम पास तो नहीं कर रहा? नहीं गीत, मैं रहमत से बहुत प्यार करता हूँ और वो भी आज से नहीं, जब से मैंने उसे पहली बार देखा था तब से ही। अपने भाई की बात सुनकर गीत खुश हो जाती है और वो उन दोनों की मदद करने के लिए भी मान जाती है। धीरे धीरे वो अपने ससुराल वालों के अंदर अपने भाई की इज्जत बनवाती है। ऐसे ही एक दिन वो अपने पति से बात करती है। अमरिंदर जी मैं क्या कह रही थी, देखिए ना अपनी रहमत की अब शादी की उम्र हो गई है, हमें उसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। हाँ बात तो तुम सही कह रही हो गीत। वैसे कल मम्मी का फोन आया था, वो अरमान के लिए रिश्ता ढूंढने लगे हैं। तो तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कह रही थी आप रहमत के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, वहाँ मम्मी जी अरमान के लिए लड़के ढूंढ रही हैं, क्यों ना हम। गीत मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझ गया हूँ, लेकिन अरमान रहमत के लायक नहीं है, समझ गई? तुम्हारा भाई बेकार बैठा रहता है घर में, वो क्या कमाएगा और क्या खिलाएगा? अरे आज के बाद अगर ऐसा ख्याल भी अपने दिमाग में मत लाना, समझी? अमरिंदर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद रहमत के लिए एक अच्छे परिवार के लड़के का रिश्ता आता है। वो रहमत को पसंद करके रिश्ते के लिए हाँ बोल देते हैं। अमरिंदर सबरन रहमत को रिश्ते के लिए मना लेता है। जैसे ही ये बात अरमान को पता चलती है तो उसके तन बदन में आग लग जाती है। वो सीधा रहमत से मिलने उसके मंडप पे आ जाता है जहाँ उसकी शादी हो रही होती है। ये शादी नहीं हो सकती। जीजू मैं और रहमत एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। क्या रहमत, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या तू इससे सच में प्यार करती है? हाँ भैया मैं बहुत प्यार करती हूँ अरमान से, पर आज तक आपके डर की वजह से मैं आपको कभी बता ही नहीं पाई। तो ठीक है फिर, अब तुम मेरी बात सुनो, अगर अरमान को तुमसे शादी करनी है इसे अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाना होगा हमें, तब ये तुमसे शादी कर पाएगा, समझ गए? अरमान अमरिंदर की शर्त मान जाता है और एक साल कड़ी मेहनत करने के बाद वो बहुत ही बड़ा सिंगर बन जाता है, जिसके बाद अमरिंदर उन दोनों की शादी के लिए मान जाता है। साथ ही अमरिंदर धूमधाम से अपनी बहन रहमत की शादी अरमान से करवा देता है, जिसके बाद सभी अपने अपने जिंदगी में बेहद ही खुश रहते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ननंद बनी भाभी की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी भाभी जिसने अपनी ननंद की शादी ऐसे ही अपने भाई से करवाई हो? अगर हाँ तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।